व्यवस्था होती थी, इसलिए पहले तो कोई बॉर्डर्स नहीं थे। तो उस हिसाब से अरबस्थान से, मारवाड़ से, काठियावाड़ से, पाकिस्तान में कुछ एरिया से जो अश्व आते थे, और वो अश्व इंडिया में, भारत में, भारतवर्ष में आके तो सारंगखेड़ा रुकते थे। फिर वहां पे दो चार महीने रुकने के बाद में वहां पे अश्व की खरीदी बिक्री होती थी, जिसको जैसी जरूरत होती थी वो अश्व की खरीदी बिक्री करता था। अश्व वहां पे राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, ऐसे लोग अपने युद्ध के लिए, अपने किसी के साथ सेनापतियों के साथ बेच के वहां पे युद्ध के लिए अश्व खरीदी करते थे। जिनको अश्व शौकीन थे, जिनको अश्व पालन करना था, वह वहां पे अपने पालन के लिए अश्व खरीदते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ लोग खरीदते थे, और इसलिए वो ट्रेडिंग पहले से ही चलते आ रहा है। उसको 350 साल का पुराना इतिहास है। शिवाजी सावंत जी जो अपने मराठी में जो जानकार है उनको पता है कि उन्होंने काफी कादंबरी और उसका लिखान किया है, उसमें सारंगखेड़ा का उसका भी जिक्र उसमें हुआ है। तो उस वक्त से वो एक ऐतिहासिक उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और वो चलते आ रहा था, वो हमारा ट्रेडिशन था। हम लोग उसका, हमारे परिवार वाले उसका थोड़ा सा संरक्षण करते थे, और बाद में वो जैसा चलता रहा, जमाना बदलते गया, फिर हमने उसको एक फेस्टिवल में रूपांतरित करने की कोशिश की, और 2011-12 से हमने उसको चेतक फेस्टिवल नाम दिया। ये चेतक फेस्टिवल नाम भी क्यों दिया, आप सबको पता है कि चेतक के महाराणा प्रताप सिंह का अश्व था, वो लॉयल्टी की पहचान है, वो लॉयल्टी की एक चेतक एक पहचान है, और उसलिए हमने उसका वो पूरा हॉर्स फेयर का, हॉर्स फेस्टिवल का चेतक फेस्टिवल ऐसा नाम दिया, और उसको करते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे पूर्वजों के कहने से तो ऐसा है कि सारे पूर्वजों की, क्योंकि अश्व इंसान का, मानव का दोस्त तरीके से पहचाना जाता है, तो लेगेसी है, लोग भूलने लग गए। कुछ दिनों में छोटे बच्चों को पूछे कि घोड़ा कैसा होता है, तो वो बताएगा कैसा होता है। तो ये पहचान ना, हमारी जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, भारत का इतिहास है, उसको, उसकी पहचान बरकरार रखना हम सबका कर्तव्य है, और उसको हम पार कर रहे हैं, उसके लिए हम, हमारी जिम्मेदारी जो है, हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, हमारे देश में जो है सबसे बड़ा हिस्सा अभी यूथ का है, तो यूथ के लिए क्या क्या नई चीजें आप लोगों ने इंक्लूड किया है इस फेस्टिवल में, अगर उस बारे में कुछ बताएं। इस बार चेतक फेस्टिवल में हमने जो हमारा 3 सप्ताह का होने वाला है, 3 वीक्स का होने वाला है, उसमें हमारा जो 3rd वीक है हमने वो एजुकेशनल और यूथ फेयर करके उसको हमने रखा है पूरा 7 डेज का, और उसमें हम वहाँ पे जो करियर गाइडेंस के हो, कुछ इंस्पिरेशनल हो, ऐसा कुछ सेमिनार्स वहाँ पे रखने वाले, और उसके साथ साथ में हम इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स भी रखने वाले, क्योंकि इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स के बारे में महाराष्ट्र में अभी हम काफी पीछे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस या उसमें अभी भी अश्व दल नहीं, कई राज्यों में, कई स्टेट में पुलिस में 5% उसका रिजर्वेशन होता है नौकरी में, जो इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनके लिए, मिलिट्री में भी उसका रिजर्वेशन है, और उसी लिए हम पीछे, अभी तक महाराष्ट्र स्टेट ने भी इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स को गृहित नहीं किया, अभी जाहिर नहीं किया। तो हमारी पहली ये होगी कि जो इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स है उसको भी उसका खेल का दर्जा दिया जाए, वो जो रिकग्नाइजेशन इतर दूसरे राज्यों में, वो भी पूरे अपने महाराष्ट्र में उसके लिए उसकी भी पहल की जाए, और इस साल हमने इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना देने की कोशिश की है। पहले भी हमने टेंट पेगिंग और वो किए थे, और इस साल हम पूरा इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स का पूरा सप्ताह रखने वाले हैं, उसमें काफी कुछ कॉम्पिटिशन्स हम रखने वाले हैं जो यूथ को इंस्पिरेशनल दे, और यूथ भी आगे आए वो स्पोर्ट्स की तरह आकर्षित हो। सर, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है वो सब तक पहुंचना जरूरी है, चेतक की जो पहचान है वो सब तक पहुंचनी जरूरी है, तो ब्राइट की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला है, अगर उस बारे में कुछ बता रहे योगेश भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहें। सर, इंडिया में जितने इवेंट्स होते हैं, 1 लाख इवेंट्स का हिस्सा हूं मैं, ग्लैमर फिल्म इवेंट्स से तो बहुत जुड़ा, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी के सिवा स्पोर्ट्स में चेतक का ये पहला मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसे मैंने महालक्ष्मी में सब जहाँ पे रेस्को डर्बी सब बहुत स्पॉन्सर किया है, लेकिन इस तरह का फेस्टिवल मेरी लाइफ में पहला है। जो भी उनको मदद चाहिए मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया में, ब्राइट आउटडोर ऑलवेज सबके साथ है,
और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं कितने अच्छे इवेंट का हिस्सा हूँ और इनके साथ जुड़ा हूँ। सर राइट की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको अगर इस बारे में? मैं तो पहले ही उनका आई एम वेरी थैंकफुल और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ब्राइट हमारे साथ आया है और चेतक के साथ जुड़ते हुए ब्राइट और चेतक ये दोनों के नाम रोशन होंगे। सर अगर इसमें बोलों की बात करें कितने गेम में हाई से हाई और लो से लो चेतक फेस्टिवल ऐसा है कि आपको वहाँ पे 50,000 से 10 करोड़ 11 करोड़ का घोड़ा भी देखने मिलेगा। वहाँ पे 3,500 आश्व होते हैं करीबन, हर कलर के, हर ब्रीड के, हर जात के जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो वहाँ पे आपको एक ही टेंट के नीचे आपको सब देखने को मिलेगा। अच्छे छोटा हॉर्स भी मिलेगा, कॉमन हॉर्स भी मिलेगा, जो टट्टू कहते हैं वो एकदम सिंपल हॉर्स होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज होता है। उससे लेके तो जो शौकीन होते हैं, जो अश्व शौकीन होते हैं, जो अपने अस्तबल में अच्छे हॉर्स रखते हैं, अच्छे ब्रीड का डेवलप करते हैं, मारवाड़ी ब्रीड का, वो टॉप मोस्ट ब्रीड के हॉर्सेस भी हमारे जो कॉम्पिटिशन होते हैं, हॉर्स शोज होते हैं, अश्व सौंदर्य स्पर्धा होती है, तो उसमें हिस्सा लेने जरूर आते हैं और आपको वहां पे करीबन 11 करोड़ तक की रेंज के आश्व देखने मिलेगी। इस बार क्या बात है कस्टमर्स के लिए जो वहां पे आएंगे तो कुछ इनके लिए लग गया पिछले साल में देखिए हम हर साल उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें मीडिया का काफी बड़ा रोल रहा है। मीडिया हमें पहले से ही काफी अच्छा उसमें सहयोग करता आ रहा है, तो इस साल हमने उसमें काफी चेंजेस भी किए और हम पहले कैसा था कि हम हमारी तरफ से जैसा होता था वो करते थे, फिर अभी उसमें हम काफी चेंजेस बदलाव करते, काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अभी ब्राइट वाले जैसे जुड़ गए वैसे अनेक लोग, एक कारवा चलता जा रहा है और उसमें जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये एक अश्व फेस्टिवल है, ये कभी आप इंडिया में आपको कहीं देखने मिलेगा नहीं, 2-3 जगह होता है पर उसमें सारंगखेड़ा भी काफी आगे आ रहा है और काफी सबसे बड़ा अश्व फेस्टिवल जो है वो चेतक फेस्टिवल है, तो उसमें जो घोड़ों के लिए अश्व के रिलेटेड, हॉर्स के रिलेटेड जो भी कुछ होते हैं, जो स्पोर्ट्स होंगे, जो कुछ इवेंट्स होंगे, वो सब आपको सारंगखेड़ा में देखने मिलेगा। 300 सालों से हो रहा है पर शायद से बहुत से बहुत बड़ी अचीवमेंट है पर लोगों में बहुत ज्यादा इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, ऐसा क्यों मानते हैं और सरकार की तरफ से ये लोग कितना, आप लोग सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज है 300 साल वेरी लॉन्ग टाइम, सरकार की तरफ से भी आप सरकार हमारे साथ में होती है, सरकार का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट तो वैसे पहले से भी रहा है इतने साल, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि ये उसके उसको बढ़ावा दिया जाए, ये 300 साल पुराना है, ज्यादा करके उसको हम मीडिया के सामने लाए नहीं थे, जब हमारे जैसे यूथ उसमें आगे आ गए तो हमने उसको आगे लाने की कोशिश की और आगे लाने की कोशिश की एक लिमिट्स थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आज हम मुंबई तक यहाँ पे प्रेस हो रही है, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, शायद इसके बाद दुनिया तो जानने लगेगी कि कितना फेस्टिवल है और कितना थ्रिलिंग फेस्टिवल। सर सारंगखेड़ा के अलावा और कौन से स्टेट में आप लोग ये प्लान कर रहे हैं फेस्टिवल वाला, क्या क्या और हम एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इक्वाइन रैली करने की हमने उसका प्लानिंग भी हमारा चल रहा है, वो शायद चंडीगढ़ से टू सारंगखेड़ा जो 1400-1500 किलोमीटर का एक रैली होगा और उसमें जो इंडिजिनियस ब्रीड है भारतीय अश्व जाति है उसको बढ़ावा देने के लिए, और वो हमारा 75वां अमृत महोत्सव वर्ष है आजादी का, उसके बैकग्राउंड के लिए हम वहां से करीबन 6 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में हमारा वो रैली जो 25-30 घोड़ों से लेके वो चलता सारंगखेड़ा तक आएगा। पहले अभी मेरे बाजू में बैठे हुए सिमरनजीत सिंह जी, इनके सुपुत्र राजवीर सिंह, उन्होंने 500 किलोमीटर का बच्चा है 14 ईयर्स का, उसने 500 किलोमीटर का घोड़े पे राइड करके 6 दिन में सारंगखेड़ा आया और माननीय मतलब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका स्वागत भी किया, तो ऐसे ही हम जो कुछ बच्चे जो अश्व के लिए प्रति प्यार रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं हम हमेशा ही चेतक फेस्टिवल और उनको बढ़ावा देते आए। सर आप भी कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ
और मुन्ना दादा के साथ सारंग खेड़ा फेस्टिवल में स्पोर्ट्स और यूथ अवेयरनेस की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान है। जैसे मुन्ना दादा ने कहा कि कल हम लोग स्पोर्ट्स का जो वीक है वो यूथ इसके काम दिखाए। इस बार में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होने एटलीस्ट इंटर स्टेट का कंपटीशन का दर्जा दिया जाए ताकि वहां जो भी पार्टिसिपेट करे उसको एक सर्टिफिकेट मिले और उसकी कोई अहमियत हो जो उसको एकेडमिक्स में आगे हेल्प करे। उन्ना दादा के प्रयत्न से हम लोग यही वीक में गवर्नमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन करने वाले हैं और मेरे साथ जो हमारे स्पोर्ट्स को देखने वाले से नदीम हु इज आल्सो प्रेजेंट हियर इज आल्सो रिकॉर्ड होल्डर फॉर इंडिया। इन्होंने काफी सारे स्पोर्ट्स किए यूथ के साथ तो वी टुगेदर एज अ टीम हम लोग कुछ ऐसे स्पोर्ट्स लेके आएंगे जो कन्वीनियंट भी है और आमतौर पर जो बच्चों को खेलने के लिए बहुत सरकारी परमिशन है आर्मी का बैकअप या पुलिस का बैकअप रखता है उसके बावजूद इजी एक्सेस देंगे स्पोर्ट्स का। मुन्ना दादा का एक और सल्प प्रोजेक्ट है कि महाराष्ट्र में हॉर्स प्रीमियर लीग शुरू हो तो वो भी जल्द सारणखेड़ा से ठीक स्टार्ट होगा। तो ये महंगा शौक नहीं है, महंगा स्पोर्ट्स कह सकते हैं हम। कोई भी शौक और कोई भी स्पोर्ट्स महंगा नहीं है अगर वो आपके बच्चे को फेम देता है। सही मानिए क्रिकेट से तो सस्ता ही है। विजुअल्स वगैरह थोड़ी नबील भाई।